परमवीर चक्र। राजस्थान के सपूत परमवीर चक्र विजेता 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह की राजपूती परंपरा की शान की झलक आज पेश की जा रही है। बंद करना चाहिए, बाल सवारने चाहिए, नाटक देखने जाना है ना, बच्चे को सुंदर लगना चाहिए। माँ, ये नाटक किसके बारे में है? एक पुरानी राजपूती कहानी है। एक थी रानी जिसका नाम था हाड़ी रानी। वो कौन थी? अरे बेटा, जब नाटक देखोगे तो सब पता चल जाएगा। अपने बापू से पूछो, आज इतने अरसे के बाद नाटक क्यों देखने ले जा रहे हैं हमें? क्या बात है बापू? एक नई नाटक कंपनी शहर में आई है, सब नाटक देखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी चले, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो। एक कहानी मैं सुनाऊं तुमको राजस्थान की, छत्रानी वीरता की, राजपूती शान की। बन के दुल्हन हाड़ी रानी आई चूड़ावत के घर, चांद थी वो हाड़ी रानी, राजा सूरज था अगर। आज जैसे चांद सूरज के मिलन की रात थी, हर तरफ खुशियों की बारिश, प्यार की बरसात थी। हर तरफ खुशियों की बारिश, प्यार की बरसात थी। एक कहानी मैं सुनाऊं तुमको राजस्थान की, छत्रानी वीरता की, राजपूती शान की।
तेरी चितवन भोली भाली, तेरी जुल्फें काली काली, तेरे मुखड़े से हटे ना मोरे प्यासे नैना। बीतना कभी है मतवारी रहना, बीतना कभी है मतवारी रहना। इसलिए कमक जा नहीं सकता। पर अधूरा रह गया तो प्रेमियों का ये मिलन, छिड़ गया मेवाड़ की धरती पे एक घमासान रण। नहीं छोड़ के अब जाना, चाहे बोले जो जमाना, मैं न छोड़ू तेरी जुल्फों की घनेरी छैयां। डाल दे गले में गोरी गोरी बैयां, डाल दे गले में गोरी गोरी बैयां। तेरी काली जुल्फें रजब ढा रही है, रजब ढा रही है, जब उड़ा रही है तेरी काली जुल्फें।
तो हमारी महारानी जी को नाटक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे राजस्थान की पुरानी कथा है। पर माँ, रानी ने तो अपना सर ही काट के भेज दिया। राजा बुजदिल जो था, इसीलिए। बेटे, बहुत रात हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। सो जा बेटे। तो ये बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? लड़ाई की? लड़ाई की नहीं, राजा रानी की। बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, अगर ये कहानी उल्टी हो जाए, यानी कि राजा लड़ाई को जाना चाहता है और रानी ने उसे रोक दिया तो? ये कभी हो ही नहीं सकता, राजपूतनी और पति को लड़ाई से रोके। देखो चीन से लड़ाई छिड़ गई है, मुझे लड़ाई पर जाना है अपने रेजिमेंट के साथ, आज जाना है, अभी। कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम कुछ नहीं कहोगी? इतना ही कहूंगी कि मैं वीर पत्नी हूं। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब घुंघटा उठाओ। पहले काढ़ो फिर उठाओ। उठाओ ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने सुहाग की रात को उठाया था। वो तो आपने उठाया था। क्या देख रहे हैं, जैसे पहले कभी नहीं देखा? घूंघटा उठाने का लुत्फ ही कुछ और है। कैसी लग रही हूं? मोती जैसी। जानती हो लड़ाई के लिए मैं कहां जा रहा हूं? लद्दाख। जानती हो कितनी दूर है? बहुत दूर है। इतनी दूर कि जहां से मैं तुम्हें संदेशा भी नहीं भेज पाऊंगा। कितनी दूर? अब हम राजस्थान में हैं, जोधपुर में। यहां से लगभग 400 मील की दूरी पर दिल्ली है। एक बार तुम्हें अमर जवान की समाधि दिखाने के लिए ले गया था, याद है ना? दिल्ली से और 400 मील दूर श्रीनगर है, और कश्मीर की वादी के आगे बर्फीली नंगी चोटियों से भरे 260 मील दूर
लद्दाख की राजधानी है जिसका नाम है लेह। 11,000 फुट की ऊंचाई पर लेह से भी 100 मील आगे 15,000-16,000 फुट की ऊंचाई पर बढ़ता हुआ मैं जीप में अपने फौजी कैंप तक पहुंचूंगा। May I come in, sir? Come in, Major. Sit down. Thank you, sir. शैतान सिंह? Yes, sir. कराकुरम की पहाड़ों की तरफ से चीनी फौज बढ़ती चली आ रही है। दौलत बेगोल्डी, गलवान और सिरी जा पर कब्जा कर चुकी है। जी। हमारी हिम्मत नहीं टूट सकती, मेजर। हालांकि कैप्टन धन सिंह थापा की कंपनी तबाह हो चुकी है और कैप्टन थापा मारे जा चुके हैं, ऐसी खबर आई है। अब चीनी फौज रजांगला की तरफ बढ़ती चली आ रही है। यस सर। 13 कमाऊं की चार्ली कंपनी तुम्हारी कमांड में वहां रवाना की जा रही है। यस सर। वक्त कम है मेजर। सर सर एमिनिशन और वेपन सर। वक्त कम है मेजर। राइट सर। गुड लक शैतान सिंह। थैंक यू सर। यादव साहब कंपनी को फॉलन करो। ठीक है साहब। राम राम साहब। श्रीमान चार्ली कंपनी हाजिर है। राम राम साहब। धन्यवाद। हमारी कुमाऊनी रेजिमेंट 200 साल से हिंदुस्तान की खिदमत करती चली आ रही है। अभी 15 साल पहले फोर कुमाऊ कंपनी ने अपना जौहर दिखाया और कबाइलियों के जबरदस्त हमले से कश्मीर की रक्षा की। मेजर सोमनाथ शर्मा ने परवीर चक्र भी जीता। आज कश्मीर के दूसरे किनारे पर हमला जारी है और कुमाऊनी रेजिमेंट की वीरता का सबूत है। कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी आज फिर हमारे हिस्से आई है। कुमाऊनी जवान लड़ाई में कभी पीठ नहीं दिखाता, जख्म खाता है तो सीने पर, पीठ पर कभी नहीं। पीठ पर तो जख्म कायर खाते हैं और तुम सब बहादुर हो। मुझे फक्र है कि मैं इस कुमाऊनी कंपनी का कमांडर हूं। और आप खूब समझते हैं कि पीछे हटना मेरा धर्म नहीं। मैं तुम लोगों का कमांडर हूं और पीछे हटना नहीं जानता। हमले पे हमला होगा, जो हमला करेगा उसकी सजा मौत है। उसको यह सजा देते जाओ, वो यहां से आगे ना बढ़ने पाए। उसकी बेशुमार फौज को इतना मारो कि उनकी कमर टूट जाए और वो यहीं ढेर हो जाए। और फिर अपनी जिंदगी तो देश के सुपुर्द है ही। लगाओ एक नारा, बोल राजा किशन की जय की जय की जय। तैयारी में रहो, हमला किसी वक्त भी हो सकता है। कंपनी को तैयार रखिए साहब। ठीक है साहब। Thank you.
चार्ली टू चार्ली सेवन फेच टाइगर ऑन द सेट ओवर चार्ली सेवन टाइगर ऑन द सेट ओवर ये वेरी लाइट की छोड़ी गई थी 300-400 चाइनीज हमारे ऊपर एडवांस कर रहे हैं इसलिए वेरी लाइट फायर किया गया है ओवर क्या तुम्हारी तैयारी है हम तैयार हैं गुड आउट टू 47 तुम्हारी प्लेटून तीन तरफ से घिर रही है Tiger to all stations over. दुश्मन हमला फिर करेगा उसकी ये आदत है उसके कितने भी आदमी मर जाए उसको परवाह नहीं मुमकिन है दूसरे हमले से पहले वो पहाड़ी के पीछे से गोलाबारी शुरू कर दे इसलिए पूरी तैयारी में रहो Stay on the alert. Out.
दो, कोई बचने ना पाए। तुम लोग एक एक दस दस के बराबर हो, मारो इनको। आपको वापस ले चलते हैं। नहीं, मैं यही रहूंगा। उस पत्थर के पीछे मुझे छोड़ दो और एक एलएमजी मुझे दे दो। उठाओ। ठीक है साहब। उनको कमर तोड़ दी उनकी। जाओ, हुकम हुकम। ठीक है साहब। लो साहब। इतना ही कहूंगी कि मैं वीर पत्नी हूं। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, रहे। असीम वीरता की परंपरा को शान से निभाने वाले मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया।